Hello students, how are you? So students, today we'll talk about the Faraday's second law of electrolysis. And in the previous video, we talked about the first law of Faraday's first law of electrolysis. Okay. So in this video, we'll talk about the second law of Faraday's second law of Faraday. Okay. So actually, what the Faraday's second law says? It says that when the same quantity of electricity is passed through different electrolytic cells connected in series. सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट सुनो कि अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स को डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करें ओके ये दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हैं इफ़ यू आर कनेक्टिंग बोथ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स इन सीरीज सो यहाँ पे मैंने दो कंसिडर किए हैं देयर मे बी 3, 4, 5 कितने भी ले सकते हैं सो वैन एवर द डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज सीरीज में क्या होता है वैन एवर द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इट मीन्स द इलेक्ट्रिसिटी वुड बी सेम You know na, we know that whenever the cells are connected in series, it means the electricity would be same. So, यहाँ पर हम कितने electrolytic cells series में connect करेंगे तो उनके अंदर जो electricity होगी pass होगी वो obviously same होगी. So, सबसे पहली line तो ये है whenever, when same quantity of electricity is passed through the different electrolytic cells connected in series. Okay, तो जो electricity इनमें pass हो रही which is same. ओके सबसे पहली चीज तो ये है नाउ दे आर सेइंग अगर ऐसा सेटअप हमने किया द वेट ऑफ द सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स तो जो इलेक्ट्रोड के ऊपर वेट डिपॉजिट होगा दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दियर केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स व्हाट इट सेज अगर हम एक बहुत सारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स 2, 3, 4 उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं ओके सीरीज में कनेक्ट करते हैं सो इट मीन्स सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी वुड बी सेम सबसे पहली कंडीशन ये हो गई तब उस कंडीशन में क्या होगा उस कंडीशन में द सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा उस कंडीशन में एट द इलेक्ट्रोड ओके इट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ दीज सब्सटेंसेस आर यू गेटिंग मी बहुत सारे सेल्स को हमने 2 हैं 3 हैं कितने हैं उनको अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनके जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी वुड बी सेम इन ऑल द इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स फर्स्ट कंडीशन ओके सो इन दैट केस द मास ऑफ द सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ दोज सब्सटेंसेस इट्स क्लियर आई थिंक तो मैंने यहाँ पे 2 केसेस ले रखे हैं एक तो सिल्वर का और एक कॉपर का सो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन सपोज दिस इज द मास ऑफ सिल्वर विच इज गेटिंग डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड्स ओके इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोकेमिकल आई मीन केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर एज इट सेज द मास ऑफ द सिल्वर deposited at the electrode is directly proportional to the chemical equivalent weight of silver. Second case aur le lete hain. The weight of copper deposited at the electrode is directly proportional to the chemical equivalent weight of copper. Aur agar hum in dono ko hi divide karein, okay, so we'll get, suppose hum inko remove kar dete hain, proportionality constant ek le lete hain yahan pe. हमने ले लिया के इनको रिमूव करके ओके सो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे सो वील गेट व्हाट यहां पर के ले लेते हैं ये के ले लिया हमने सो ऑब्वियसली के से के कैंसिल हो गया तो हमें मिला क्या व्हाट वील गेट दिस So this is the mathematical representation of Faraday's second law of electrolysis. So in 2 electrode hai yahan par, so mass of the silver deposited at the electrode, okay, and the mass of the copper deposited at electrode, un dono ka ratio jo hoga, it would be equal to the chemical equivalent weight of silver. It would be equal to the ratio of chemical equivalent weight of सिल्वर एंड द केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अगर यहाँ पर सपोज 3 होते ओके यहाँ पे 3 सेल्स
कनेक्ट होते सीरीज के अंदर, लास्ट लेसन, अगर यहाँ पर थ्री सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर, सपोज एक हमारा जिंक का भी था, आर यू गेटिंग मी, जिंक भी हमने कनेक्ट कर दिया, तो क्या होता उसमें, उस केस में क्या होता, सो उस केस में हम क्या करते हैं, यहां पर जैसे एक सिल्वर का ले लिया कॉपर का, तो हम यहां पे कैसे ले सकते थे, एक तो वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, ऐसे लेते, ऐसे ले सकते थे, और एक और केस भी ले सकते थे हम, जैसे वेट ऑफ हम ले लेते कॉपर डिवाइड बाय वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, कि ऐसे ले सकते थे हम सारे के सारे, क्योंकि इनका हम कोई भी केस ले लो सबके सब क्या होंगे, उनके जो वेट होंगे जो इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट होते हैं उनके वेट का रेशियो वुड ऑलवेज बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। ओके, सो हमने तीन ले लिए, तो ऐसे तीन केसेस इनमें कोई सा भी उठा के हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। सो आई थिंक इट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बहुत सिंपल था मेन चीज जो है इनका, फैराडेज लॉ, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फैराडेज सेकंड लॉ, द थिंग इज यू वुड बी हैविंग सम आइडिया रिगार्डिंग हाउ टू डू, हाउ टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स। सो क्लास, अब मैं कुछ न्यूमेरिकल लेता हूँ, जो इस न्यूमेरिकल से सारी हमारी जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। ओके, सो एक न्यूमेरिकल लेते हैं। सो लिसन क्लास, दिस इज अ न्यूमेरिकल एंड दिस न्यूमेरिकल इज ऑल्सो गिवन इन द एनसीईआरटी, एंड यू नो दिस न्यूमेरिकल इट हैज बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स इन द बोर्ड्स एग्जामिनेशन, नॉट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन बट इन वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन एज वेल, बट द न्यूमेरिकल इज वेरी सिंपल। दिस न्यूमेरिकल एक्चुअली सेज थ्री इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ए बी सी कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट रेस्पेक्टिवली वर कनेक्टेड इन सीरीज। बिल्कुल वैसे ही केस है, तीन सेल ले लिए हमने, और कौन से सेल हैं, ए बी और सी, थ्री सेल्स हैं ए बी सी, एंड बोथ द सेल्स आर हैविंग इलेक्ट्रोलाइट ऑफ जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट, ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड इन सीरीज, इट मीन्स सीरीज में कनेक्ट मतलब सब में करंट सेम होगा, सारे सीरीज में कनेक्टेड है, सारे सेल में करंट वुड बी सेम, वेदर इट इज करंट और द चार्ज, यू नो Whenever the cells are connected in series, the current and the charge flowing in the cells would be same. It should be clear to all of you. So all the cells are connected in series. Okay. Now they are saying the current of 1.5 ampere was passed through them. मतलब सारे cell में एक ही current जाएगा तीनों cell में. So कितना current है? सबसे पहले चीज़ ये देख लेते हैं. Current is 1.5 ampere. So 1.5 ampere current was passed through them. Until this is 1.45 gram of silver were deposited in cell B. इसके अंदर इन सारे cells में 1.5 ampere current flow कराया, कब तक flow कराया, जब तक कि silver का 1.45 gram weight deposit नहीं हो गया। Silver है कौन से cell में, second cell में है, second cell में, third cell में, it is in third cell, so C लिख दो। Okay, कब तक हमने इसको, नो एक्चुअली सिल्वर इज इन बी सेल ना, ओके सिल्वर इज इन बी सेल, सही लिखा था। सो कब तक हमने इसको रन कराया, 1.5 एम्पीयर करंट हमने फ्लो कराया इन तीनों सेल्स में, कब तक, जब तक कि बी सेल्स में सिल्वर का 1.45 ग्राम वेट डिपॉजिट नहीं हो गया। नाउ दे आर सेइंग हाउ लॉन्ग द करंट फ्लोस, मतलब कितने टाइम तक करंट चला, ओके करंट हमने फ्लो कराया कितने टाइम तक, यहाँ पे अमाउंट तो दे रखा है करंट का इतना फ्लो करा, कब तक फ्लो कराया हमने, जब तक कि 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट नहीं हो गया, लेकिन टाइम नहीं है, सो दे आर आस्किंग टाइम हाउ लॉन्ग वी फ्लो। एंड द सेकंड थिंग इज सभी में करंट, ऐसा तो नहीं है सिर्फ बी सेल में करंट मूव कर रहा है, नो करंट सब में सेम मूव कर रहा है 1.5 एम्पीयर, और सभी में मूव कर रहा है और सेम टाइम के लिए मूव कर रहा है, बिकॉज ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो द नेक्स्ट थिंग इज they are saying calculate the weight of the zinc and the copper deposited, okay, on electrodes. So ये दो question है, सबसे पहले मैं इस numerical को ये देख लेना class, ये जो numerical मैं करा रहा हूँ ना, actually these are very important,
और ये मैं एक न्यूमेरिकल ये लूँगा, एक और न्यूमेरिकल लूँगा, वो थोड़ा सा इससे अलग होगा, डिफरेंट। तो मैं दोनों डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करूँगा, और मैंने 3 सेल वाला इसलिए लिया है ताकि अगर 2 सेल वाला कहीं पर आता है सो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व। आर यू गेटिंग मी? सो इसलिए 3 सेल का मैंने यहाँ कंसिडर किया है। और मैं इस न्यूमेरिकल को भी दोनों मेथड से ही कराऊंगा। दोनों मेथड मीन्स यूनिटरी मेथड से भी करेंगे हम इसको, और हम इसको जो फॉर्मूले जो मैंने अभी लिखवाए थे, वी विल ऑल्सो अप्लाई दोज फॉर्मूलेज ऑफ फैराडेज सेकेंड लॉ। ओके, सो सबसे पहले हम इसको न्यूमेरिकल्स को हम न्यूमेरिकल को फॉर्मूले की फॉर्म में करते हैं। तो सबसे पहले दे आर सेइंग हाउ लॉन्ग द करंट फ्लोस। ओके क्लास, वी नो वन थिंग, फर्स्ट लॉ फैराडे के फर्स्ट लॉ से निकालेंगे हम फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट लॉ फैराडे सेज डब्ल्यू वेट डिपॉजिटेड इज इट इक्वल टू जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आई एन टी। इज इट क्लियर क्लास? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस फॉर्मूला इन द प्रीवियस वीडियो। ओके, दे आर सेइंग करंट इज व्हाट? करंट इज गिवन, इट इज 1.5 एम्पियर। टाइम वील हैव टू कैलकुलेट एंड दिस इज द अमाउंट जो डिपॉजिट हुआ है, सिल्वर का दे रखा है, सो वील हैव टू राइट हियर 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर। इट इज गिवन ऑफ सिल्वर, सो वील हैव टू राइट डाउन। ओके क्लास, अब यहाँ पे टाइम निकालना है, करंट गिवन है, वेट भी गिवन है, जेड की वैल्यू हमें पता करनी है। ओके, जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अगर हम देखें, सो जेड इज व्हाट क्लास? मैं यहाँ लिख देता हूँ, जेड इज व्हाट, यू जस्ट लेट मी नो। जेड इज इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई फैराडे, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। अब इक्विवेलेंट वेट को भी अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा? अटोमिक मास डिवाइडेड बाई एन एफ। एन इज वॉट क्लास? एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट। आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस क्लास। ओके, सो एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट। ओके, गेन और लॉस्ट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, एंड एफ इज यू नो फैराडे। सो ये हमारा फॉर्मूला आया। अगर मैं इसी को यहीं पे सॉल्व कर लूँ, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके वेट के बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द वेट ऑफ सिल्वर। तो यहीं पे हम सिल्वर को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ अगर हम सिल्वर को सॉल्व करते हैं, एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर इट इज 108। ओके, दैट की वैल्यू निकाल लेते हैं। एंड सिल्वर के केस में सिल्वर इज व्हाट? सिल्वर इज दिस, इट विल टेक वन इलेक्ट्रॉन टू गेट सिल्वर सॉलिड। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन अप और गेन्ड बाय सिल्वर? ओनली वन। सो द वैल्यू ऑफ एन इट विल बिकम व्हाट? वन। सो वील हैव टू राइट हियर वन। एंड फैराडे की वैल्यू वी नो 196500। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्लास? आई थिंक इट वुड बी क्लियर। सो नाउ क्लास, फॉर्मूले से अगर हम निकालें, जेड की वैल्यू हमें मिल गई, सो डब्ल्यू इज 1.45, जेड इज 108 डिवाइडेड बाई 96500, ये मैंने लगा ली यहाँ से। ओके, 16500। करंट कितना फ्लो करता है? 1.5, इट इज 1.5। टाइम वील हैव टू कैलकुलेट। इज इट क्लियर क्लास? सो टाइम कम्स आउट टू बी व्हाट? 96500 इंटू 1.45, ओके, डिवाइडेड बाय 108 इंटू 1.5। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे पूरे को, सो इट विल कम आउट टू बी 863 सेकेंड। आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज द आंसर। इन्होंने पूछा कितने टाइम तक चलेगा, हमने इसे टाइम निकाल दिया, इट इज 863 सेकेंड, दिस इज द आंसर। सो फर्स्ट आंसर तो हमें मिल गया क्लास, अब हम निकालते हैं सेकेंड आंसर। सेकेंड में दे आर सेइंग वेट ऑफ जिंक एंड कॉपर डिपॉजिटेड। ओके, तो हम पहले जिंक का ले लेते हैं। नाउ वील हैव टू अप्लाई द सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, सेकेंड लॉ आई मीन फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यहां पर क्योंकि सेल्स जो हैं, ये अगर आप पढ़ोगे क्वेश्चन, सो एक्चुअली द क्वेश्चन इज सेइंग सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, एंड द करंट इज फ्लोइंग इज सेम इन ऑल द सेल। ओके क्लियर? तो ये फर्स्ट कंडीशन हमारी फैराडे सेकंड लॉ की बिल्कुल कंफर्म्ड हो गई है। तो ये फैराडे सेकंड लॉ हम इसमें इजीली लगा सकते हैं क्योंकि उसको ये फॉलो कर रहा है। नाउ
हमने अभी पढ़ा था, हमें निकालना है वेट ऑफ जिंक. सो वेट ऑफ जिंक गेट डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाई वेट ऑफ, किसका गिवन है, सिल्वर का गिवन है ना, तो हमें सिल्वर का लगा लेते हैं. वेट ऑफ सिल्वर गेट डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, ओके, डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर. इज इट क्लियर क्लास? बहुत सिंपल फॉर्मूला मैंने लगा लिया था. यहां हमें ये आइडेंटिफाई करना है, वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इट इज गिवन 1.4545 ग्राम. अब यहां पर इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं उनका. जिंक का इक्विवेलेंट वेट मीन्स इट इज व्हाट, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट. एटॉमिक मास डिवाइड बाय एन, यही होता है इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक वेट. अब देखो यहां पे जिंक को देख लेते हैं. जिंक 2 + 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसने लिए तो जिंक इसमें चेंज हो जाता है, जिंक बना लेता है. आर यू गेटिंग मी क्लास? तो कितने इलेक्ट्रॉन यहां पे गेन और लॉस हुए, कितने इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस हुए, 2. सो वैल्यू ऑफ एन इज 2. एंड वी नो द एटॉमिक वेट ऑफ जिंक इज 65.3, यू विल हैव टू रिमेंबर, डिवाइडेड बाई 2. सो जो इक्विवेलेंट वेट था जिंक का ये आ गया. अब हम सिल्वर का निकालते हैं. सिल्वर का भी यही होगा, एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर इट इज 108. एंड एन की वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट इन द केस ऑफ सिल्वर वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, अभी पीछे कैलकुलेट किया था, 1 था ना, सो इट इज 1. सो इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई. हम दोनों ही वैल्यूज यहाँ रख देते हैं. ओके क्लास, दोनों वैल्यू रख लेता हूं मैं. यहां पे क्या हुआ, जिंक का वेट हमें निकालना है डिवाइड बाय सिल्वर का कितना हुआ, 1.45 इज इक्वल टू, इसको रख लेते हैं, अब मैं इसको रब कर देता हूँ, 65.3 डिवाइड बाय सिल्वर का इट इज 108, ये ऊपर पहुंच जाएगा इनटू 1. आई थिंक इट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्लास. इट इज 65.3, ओके, into 1. ओके, अब हम यहां से जिंक का वेट निकालें. वेट ऑफ जिंक विच विल गेट डिपॉजिटेड इट इज 65.3 into 1.45 डिवाइडेड बाई 2 into 108. इट विल कम आउट टू बी 0.438 ग्राम. इज इट क्लियर क्लास? बहुत ही सिंपल मेथड था, मैंने निकाल दिया इसको. ओके, क्या हम कॉपर का निकाल सकते हैं बिल्कुल सेम मेथड से? ऑब्वियसली कॉपर का भी निकाल सकते हैं. अब कॉपर का निकाल लेते हैं. कॉपर का कैसे होगा देखो, फिर वही वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड डिवाइड बाई वेट ऑफ सिल्वर. ना अब यहाँ पे वेट हम सिल्वर का भी ले सकते हैं, जिंक का भी ले सकते हैं, क्योंकि जिंक का भी हमें पता है कितना डिपॉजिट होगा, अभी निकाला हमने. इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर. ओके, अब कॉपर का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं. यहाँ पे क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट मीन्स एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट. एंड कॉपर के केस में कितने होंगे, कॉपर इज इक्वल टू +2, इट विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन, सो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉपर सॉलिड. इट मीन्स 2, इसमें भी 2 आया, 2 यहाँ लगाते हैं. एंड कॉपर का जो वेट होता है इट इज 63.5 डिवाइडेड बाई 2. आई थिंक इट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्लास. नाउ सिल्वर का वेट गेट डिपॉजिटेड इज ऑल्सो गिवेन. सो वेट ऑफ कॉपर हमें निकालना है, सिल्वर का है 1.45, एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इज 63.5 बाई 2. सिल्वर का भी हमने पिछले निकाला था, कितना आया था, 108 बाई 1, यही था, ये हमने निकाला. अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें सो वेट ऑफ कॉपर इट विल कम आउट टू बी 0.426 ग्राम. इट इज द आंसर. ओके क्लास,
दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल. सारे हमने पार्ट इसके कर लिए. आई थिंक इट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब क्लास मैं बिल्कुल जैसे मैंने ये न्यूमेरिकल लिया है, इसको मैं यूनिटरी मेथड से भी कर लेता हूँ. यूनिटरी मेथड से देखते हैं इसको कैसे करना है. ये यूनिटरी मेथड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं इससे न्यूमेरिकल ज़रूर करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स इसके फॉर्मूले बेस्ड फॉर्मूला लगाकर, बट यूनिटरी मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसी से ज़्यादा अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे. अभी एक जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, वो एक्चुअली यूनिटरी मेथड से ज़्यादा अच्छे से होगा सॉल्व. ओके, अब यूनिटरी मेथड से अगर हम इसको करें क्लास, सो सिंपल सी चीज़ है. अब यहाँ देखो, हम बात करते हैं सिल्वर की. कितना अमाउंट सिल्वर का डिपॉजिट हुआ है? 1.45 ग्राम. ओके, समझ आया? पूछा क्या है, टाइम पूछा है, कितने टाइम के लिए इट विल रन. सेम केस सेम क्वेश्चन. देखो सिल्वर के लिए हम देखते हैं, सिल्वर प्लस इट विल टेक वन इलेक्ट्रॉन, आई मीन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गेट सिल्वर. इट इज यूनिटरी मेथड, देर इज नो नीड टू लर्न एनी फॉर्मूला. बेसिक सिंपल फॉर्मूला Q is equal to IT फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे, और कोई फॉर्मूला इसमें ज़रूरी नहीं होता. क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे तुम बोर्ड में जाओगे या तुम एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जाओगे, सो देर वुड बी सो मैनी डिफरेंट फार्मूलाज, सो इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर ऑल द फार्मूलाज. सो अगर कोई ऐसी चीज़ मिल रही है जिसे बिना फॉर्मूले के तुम उसको सॉल्व कर सकते हो बिना, तो वो ज़्यादा बेटर है. आर यू गेटिंग मी? तो इसीलिए मैं आप लोगों को बिना फॉर्मूले के कराने की कोशिश कर रहा हूँ उसको. सो नाउ लिसन क्लास, देखो यहाँ पर अब इस इक्वेशन को देखो. सिंपल इक्वेशन, वन मोल ऑफ सिल्वर इज बीइंग डिपॉजिटेड व्हेन वन फेराडे, वन इलेक्ट्रॉन मीन्स वन फेराडे. आई थिंक इट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सो मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू. सो वन मोल ऑफ सिल्वर गेट डिपॉजिटेड व्हेन वन फेराडे ऑफ चार्ज फ्लोज इन द सेल. ओके, सो वही चीज हम लिखते हैं, यहां से निकालते हैं. वन मोल ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड व्हेन वन फेराडे फ्लोस, यूनिटरी मेथड. सबसे पहले चीज, वन मोल ऑफ सिल्वर मीन्स मोलर मास ऑफ सिल्वर लिख सकते हैं हम यहां पे. सो सिल्वर का मोलर मास कितना होता है? 108. सो कैन वी राइट और 108 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड व्हेन वन फेराडे को हम लिख सकते हैं 9650 कूलम चार्ज. आई थिंक इट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्लास. ओके, मैं ये ऊपर की लाइन रब कर देता हूँ क्लास, इट वुड बी बेटर. हम यहां से निकाल रहे हैं कितना चार्ज फ्लो करेगा टोटल मिला के. ओके, अब यहां देखो कितना सिल्वर हमारा डिपॉजिट हुआ है, 1.45 ग्राम सिल्वर गेट डिपॉजिटेड. ओके क्लास, सो 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिटेड. 108 ग्राम सिल्वर कब डिपॉजिट होता है? जब इतना चार्ज फ्लो करता है. आर यू गेटिंग मी? लेकिन कितना डिपॉजिट हो रहा है? 1.45 ग्राम. तो हम यहां से निकाल लेते हैं 1.45 ग्राम सिल्वर जब डिपॉजिट होगा तो कितना चार्ज फ्लो करेगा, कितना चार्ज फ्लो करेगा बताओ? ये करेगा 96 यूनिटरी मेथड 00 डिवाइडेड बाय 108 इनटू 1.45. आई थिंक इट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके क्लास, तो ये चार्ज आया, अगर हम इसको कैलकुलेट करें, ठीक है, ये हमारा चार्ज आ गया, इतना चार्ज फ्लो कर रहा है. सो अगर सिल्वर 1.45 ग्राम सिल्वर अगर डिपॉजिट होता है, ओके क्लास, सो चार्ज कितना फ्लो करेगा सर्किट में? इतना चार्ज फ्लो करेगा. इट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके नाउ, अब चार्ज हमारे पास आ गया, वी नो वन थिंग, क्यू इज इक्वल टू आई टी. ओके, यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं इजीली, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया तक. तो देखो अब तक मैंने सिर्फ क्यू इज इक्वल टू आई टी यूज कर रहा हूँ. सो चार्ज, टोटल चार्ज अगर 1.45 ग्राम सिल्वर इज गेटिंग डिपॉजिटेड, तो कितना चार्ज फ्लो करेगा? ये हमने निकाला, इतना चार्ज फ्लो करता है. चार्ज हमारे पास आ चुका है, करंट ऑलरेडी गिवेन है, कितना करंट है? 1.5 एम्पीयर इज फ्लोइंग. चार्ज गिवेन है, टाइम निकाल सकते हैं इसीलिए. सो टाइम निकालो, चार्ज इतना रख लो, चार्ज कितना है हमारा? 9650 डिवाइडेड बाई
108 into 1.45, इट इज द चार्ज इज इक्वल टू, क्लास में रब कर देता हूँ इसको, इज इक्वल टू करंट इज 1.5, टाइम वील हैव टू कैलकुलेट, सो टाइम कम्स आउट टू बी वॉट 96500 इंटू 1.45 डिवाइडेड बाई 108 इंटू 1.5 और इट कम्स आउट टू बी 863 सेकेंड। सो फर्स्ट केस हो गया हमारा यूनिटरी मेथड से, ओके क्लास इट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम बात करते हैं इसकी सेकेंड केस, क्लास ये ध्यान रखना अगर इतना मास सिल्वर का डिपॉजिट होता है तो अभी हमने चार्ज कैलकुलेट किया था, कितना चार्ज आया था, इट कम्स आउट टू बी 96500 डिवाइडेड बाय 108 इनटू 1.45, यही हमने निकाला था कूलम चार्ज, ओके क्लास, सो यू विल हैव टू रिमेंबर दिस 1.45 कूलम। अब देखो नाउ दे आर सेइंग व्हाट दे आर सेइंग, दे आर आस्किंग द मास ऑफ द जिंक एंड द कॉपर, द मास ऑफ जिंक एंड द कॉपर डिपॉजिटेड। अब हम जिंक का मास देखते हैं, कोई फॉर्मूला हमें अप्लाई नहीं करना, सिर्फ सिंपल जिंक वी नो, जिंक प्लस टू, इट विल टेक टू इलेक्ट्रॉन्स टू गेट कन्वर्टेड इन टू जिंक, सो हाउ मैनी चार्ज इज फ्लोइंग इन द सर्किट फॉर द डिपोजिशन ऑफ वन मोल ऑफ जिंक, 2 फेराडे, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो सिंपल चीज देखो, जब 2 फेराडे चार्ज फ्लो करता है, ओके, तो जिंक का 1 मोल डिपॉजिट होता है, इज इट क्लियर क्लास, 2 फेराडे का मतलब हो गया 96500 इंटू 2 कूलम, जब इतना चार्ज फ्लो करता है तो 1 मोल ऑफ जिंक डिपॉजिट होता है, 1 मोल ऑफ जिंक मीन्स मोलर मास ऑफ जिंक कितना होता है, इट इज 65.3 ग्राम ऑफ जिंक गेट डिपॉजिटेड, आई थिंक इट वुड बी क्लियर। जब 2 फेराडे चार्ज फ्लो करता है तो 1 मोल ऑफ जिंक डिपॉजिट होता है, 2 फेराडे मीन्स 2 into 96500 कूलम, अगर चार्ज फ्लो करता है तो 1 मोल ऑफ जिंक मीन्स मोलर मास ऑफ जिंक 65.3 ग्राम ऑफ जिंक विल गेट डिपॉजिटेड, आई थिंक इट वुड बी क्लियर। आप देखो यहाँ पे चार्ज कितना फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट में, हमने ये ऑलरेडी निकाल रखा है, इतना चार्ज फ्लो कर रहा है, आर यू गेटिंग मी क्लास, सिंपल है, अभी निकाला था हमने जिंक से सिल्वर से, इतना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो इतना चार्ज फ्लो करने से इतना जिंक डिपॉजिट होता है, अगर इतना चार्ज फ्लो करता है तो कितना जिंक डिपॉजिट होगा, यूनिटरी मेथड सिंपल वे, सो निकाल लो इसको, 1 से निकाल लेते हैं, मैंने 1 करता है तो 65.3 डिवाइडेड बाई 2 into 96500 ग्राम ऑफ जिंक, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, इतना चार्ज फ्लो करता है, तो यहां से ले लो 96500 डिवाइडेड बाई 108 इंटू 1.45, अगर फ्लो करता है तो कितना चार्ज, कितना डिपॉजिट होगा जिंक, 65.3 डिवाइडेड बाई 2 into 96500 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 108 इंटू 1.45, अगर हम इसको सॉल्व करें ये तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे इट विल कम्स आउट टू बी 0.43, इट विल कम्स आउट टू बी 0.438 ग्राम, इट्स क्लियर क्लास, आई थिंक इट वुड बी क्लियर, बहुत सिंपल था। अब ऐसे ही मैं कॉपर का भी निकाल लेता हूँ, ठीक है, कॉपर का देखो क्लास, इट इज कॉपर प्लस टू, इट विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन टू गेट कन्वर्टेड इनटू कॉपर सॉलिड, ओके, सो यहां पर जिंक को मैं रिप्लेस करता हूँ कॉपर से, सो यहां पे क्लास हमें क्या दिखाया दिया, व्हेन 2 फेराडे, 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 फेराडे चार्ज फ्लोज इन द सर्किट, 1 मोल ऑफ कॉपर विल गेट डिपॉजिटेड, सेम चीज यहां लिख रहा हूं, व्हेन 2 फेराडे चार्ज फ्लोज इन द सर्किट
कितना डिपॉजिट होगा, 1 मोल ऑफ कॉपर विल गेट डिपॉजिटेड. सिंपल, ये इक्वेशन देखो और यहाँ से हमने ये केमिकल रिएक्शन देखी. 2 फेराडे चार्ज फ्लोज, इट मीन्स 1 मोल ऑफ कॉपर विल गेट डिपॉजिटेड. 2 फेराडे मीन्स 2 × 9650 कुलाम अगर चार्ज फ्लो करता है तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा. 2 फेराडे करता है तो 1 मोल ऑफ कॉपर. सो 2 फेराडे को मैं लिख सकता हूँ 2 × 9650 कुलाम अगर फ्लो करेगा तो 1 मोल ऑफ कॉपर ही डिपॉजिट होगा. 1 मोल मीन्स मोलर मास ऑफ कॉपर कितना होता है, 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर विल गेट डिपॉजिटेड. आई थिंक इट इज क्लियर क्लास. लेकिन दो फेराडे अगर हमारा फ्लो करता है तो इतना मास कॉपर डिपॉजिट होता है. लेकिन हमारा कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, इतना चार्ज फ्लो कर रहा है सर्किट में. आर यू गेटिंग मी? सो 2 फेराडे करता है तो इतना कॉपर डिपॉजिट होता है. तब इतना चार्ज अगर फ्लो करता है तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, यही तो निकालना है. निकाल लो, इतने से निकाल लो. 96500 डिवाइड बाई 8 × 1.45 अगर चार्ज फ्लो करता है तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, 63.5 डिवाइडेड बाई 2 × 96500. इट इज क्लियर क्लास. × 96500 डिवाइड बाई 108 × 1.45. ओके, इससे ये कैंसिल हो गया और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे इट कम्स आउट टू बी 0.426 ग्राम. ओके क्लास, ये यूनिटरी मेथड से मैंने कर दिया. अब मैं क्लास एक और न्यूमेरिकल ले लेता हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्लास द क्वेश्चन इज 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कंटेनिंग सिल्वर नाइट्रेट एंड डायल्यूट H2SO4 सॉल्यूशंस वर कनेक्टेड इन सीरीज. सेम केस जैसे पहले हुआ था, वहाँ पे 3 सेल्स थे, यहाँ पे 2 सेल हैं एंड 1 सेल इज हैविंग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट इलेक्ट्रोलाइट एंड द अदर सेल इज हैविंग डायल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन. दे आर कनेक्टेड टुगेदर इन द सीरीज. अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर वॉज पास्ड थ्रू दैम टिल 1.078 ग्राम ऑफ सिल्वर वॉज डिपॉजिटेड. ओके क्लास, 2.5 एम्पियर हमने करंट पास किया दोनों सेल में. ओके, जिससे क्या हुआ, 1.078 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हो गया. नाउ दे आर आस्किंग हाउ मच चार्ज फ्लोज, कितना चार्ज फ्लो करते हैं तो ये पूछा है. दूसरा दे आर आस्किंग वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड एट एनोड ऑफ H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट. दो थे ना सेल हमारे, एक H2SO4 वाला था, एक सिल्वर नाइट्रेट. सो दे आर आस्किंग द ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड एट एनोड ऑफ H2SO4 काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तो सबसे पहले हम इसको सिर्फ यूनिटरी मेथड से करेंगे, इट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. बहुत सिंपल है. स्टेडी करंट ऑफ 2.5 एम्पियर वॉज पास्ड थ्रू दैम टिल 1.078 ग्राम ऑफ सिल्वर वॉज डिपॉजिटेड. नाउ लिसन क्लास, देखो यहां पर सोल्यूशन है हमारा सिल्वर नाइट्रेट का. सो सिल्वर नाइट्रेट इलेक्ट्रोलाइट है, इट विल गेट लाइक सिल्वर एंड नाइट्रेट, इट विल बी डिसोशिएटेड लाइक दिस. ओके, एंड एज यू नो एट कैथोड व्हाट विल हैपन, कैथोड पे सिल्वर प्लस इट विल टेक 1 इलेक्ट्रॉन टू गेट सिल्वर सॉलिड. हमें एनोड की जरूरत ही नहीं करनी है, कैथोड पे क्या हो रहा है उसी के बारे में हमें करना है क्योंकि हमें सिल्वर से रिलेटेड, सिल्वर से रिलेशन है. ओके, सो कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखो सिंपल चीज है. अब यहाँ पर क्लास एक चीज देखो, इट इज वेरी वेरी क्लियर कि 1 मोल ऑफ सिल्वर गेट डिपॉजिटेड व्हेन 1 फेराडे ऑफ चार्ज फ्लोज इन द सेल. इट इज क्लियर, इट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इसी चीज से हम निकालते हैं आगे, देखो. सो कैन आई राइट 1 मोल ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड व्हेन 1 फेराडे फ्लोज, 1 फेराडे चार्ज फ्लोज. 1 मोल ऑफ सिल्वर डिपॉजिट होगा जब 1 फेराडे चार्ज फ्लो करता है. इट इज क्लियर फ्रॉम दिस इक्वेशन. ओके, 1 मोल ऑफ सिल्वर का मतलब क्या होगा, 107.8 ग्राम. 107.8 मतलब इसका मोलर मास ऑफ सिल्वर का कितना होता है, 107.8 होता है. 107.8 ग्राम
ऑफ सिल्वर डिपॉजिट होता है जब 1 फेराडे को हम 96500 कूलाम भी लिख सकते हैं, जब 96500 कूलाम चार्ज फ्लो करता है। आई थिंक इट वुड बी क्लियर। 1 मोल ऑफ सिल्वर गेट डिपॉजिटेड व्हेन 1 फेराडे चार्ज फ्लोज। 1 मोल मीन्स 107.8 ग्राम ऑफ सिल्वर गेट डिपॉजिटेड व्हेन 1 फेराडे मीन्स 96500 कूलाम चार्ज फ्लोज। ओके, अब कितना मास डिपॉजिट हुआ है सिल्वर का? 1.078। अगर 107.8 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पे तो कितना चार्ज फ्लो करता है? 96500। ओके, लेकिन कितना डिपॉजिट हो रहा है सिल्वर? 1.078 ग्राम। तो हम यहाँ निकाल सकते हैं कि 1.078 ग्राम अगर सिल्वर डिपॉजिट होता है तो चार्ज कितना फ्लो करेगा? क्लास, यू जस्ट लेट मी नो। 96500 यूनिटरी मेथड डिवाइडेड बाय 107.8 इनटू 1.078। आर यू गेटिंग मी क्लास? इससे इसको कैंसिल किया, यहाँ से आएगा 0.01। इसकी अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? 96500 कूलाम। यही तो इन्होंने पूछा था, हाउ मच चार्ज फ्लोज। ओके, 1 मोल ऑफ सिल्वर जब डिपॉजिट होता है तो 1 फेराडे चार्ज फ्लो करता है, मतलब 1.078 ग्राम सिल्वर जब डिपॉजिट होता है तो 96500 कूलाम चार्ज फ्लो करता है। लेकिन डिपॉजिट के कितना हो रहा है? इतना। तो अगर 1.078 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होगा तो कितना चार्ज फ्लो करेगा? हमने यूनिटरी मेथड से निकाल लिया, इट कम्स आउट टू बी 96500 कूलाम। सो फर्स्ट का आंसर वी गेट। ओके, अब मैं इसका सेकंड का आंसर निकालता हूं, रब कर दो इसको। सो पहले का आंसर कितना आया? 96500 कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा है। सेकेंड, दे आर सेइंग वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड एट एनोड ऑफ H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट। अब हम इसकी, मैंने बताया था ना आपको प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, नाउ वील हैव टू फाइंड आउट के डायल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट्स। ओके, सो वी नो H2SO4 इट विल गेट डिसोशिएटेड इनटू 2H+ ion प्लस सल्फेट आयन -2। आई थिंक इट वुड बी क्लियर क्लास। And it is diluted solution means water would be also present here. So H+ + OH-. अब यहाँ क्लास हमें ये देखना है, सिंपल सी एनोड पर देखते हैं हम, कैथोड पे देखते हैं पहले। क्लास व्हाट इज हैपनिंग एट कैथोड? कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन विल टेक प्लेस। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन गेन करेगा इन सब में? ऑब्वियसली हर दोनों ही केसेस में हाइड्रोजन ही है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। सो 2 हाइड्रोजन दे'ल टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड देन दे'ल बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन गैस। ओके, ये एक हमारा होगा कैथोड पर। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू कि कैथोड पे क्या हो रहा है, हमें एनोड का पता करना है। अब एनोड पे देख लेते हैं, इसको रब कर देता हूं। एनोड पर देखते हैं, एनोड की इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए। एनोड पर क्या है? एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। सो नाउ ऑक्सीडेशन मीन्स समवन विल हैव टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स। कौन लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन? आइदर सल्फेट आयन और OH- आयन। इन दोनों में से ही कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज कौन करेगा? भाई मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर कॉम्पिटिशन होगा तो ये सल्फेट में, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, तो ये तो इलेक्ट्रॉन कभी लूज करेगा नहीं, तो OH ही रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन। अब जब OH- इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 4 होती है यहाँ पे, 4 से मल्टीप्लाई, सो इट विल रिलीज, देन ऑक्सीजन गैस वुड बी लिबरेटेड प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स वुड बी फॉर्म्ड एंड 4 इलेक्ट्रॉन विल कम आउट। ओके क्लास, यही इक्वेशन हमें चाहिए थी। इसी इक्वेशन को अब हम देखते हैं। देखो, दे आर सेइंग वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड एट एनोड ऑफ H2SO4। ये आ गया एनोड H2SO4 का, इसकी ऑक्सीजन कितनी लिबरेट हो रही है हमें पता करना है। सो क्लास बहुत सिंपल है, इसमें भी फेराडे से देखो इस इक्वेशन को। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज गोइंग टू लिबरेट, जस्ट ऑब्जर्व, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज गोइंग टू लिबरेट व्हेन, हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग इन द सर्किट? 4
फैराडे फ्लोज, आर यू गेटिंग मी? जब फोर फैराडे चार्ज फ्लो करता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन डिपॉजिट होता है, आर यू गेटिंग मी? नॉट डिपॉजिट, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल गेट लिबरेटेड, आर यू गेटिंग मी? 4 फैराडे से 1 मोल बनता है, सिंपल चीज़ है। यहाँ देखो, अब मैं इसको ऊपर वाले का रब कर देता हूँ, इसे भी ऊपर लिख देता हूँ मैं नोट वाला, 4OH माइनस क्या होगा, 1 ऑक्सीजन गैस वुड बी लिबरेटेड, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स वुड बी फॉर्म्ड एंड 4 इलेक्ट्रॉन विल कम आउट, इट मीन्स इट इज 4 फैराडे। तो जब 4 फैराडे चार्ज फ्लो करता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल गेट लिबरेटेड, सिंपल हमें मिल गया यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे, व्हेन 4 फैराडे फ्लोस, 4 फैराडे फ्लो, कितने मोल मिले ऑक्सीजन के, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल गेट लिबरेटेड। ओके, आर यू गेटिंग मी क्लास? 4 फ्राइडे से 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 4 फ्राइडे को कन्वर्ट कर लो, 4 × 96,500 कोलाम अगर फ्लो करेगा तो कितने मोल, कितना मिलेगा ऑक्सीजन का, 1 मोल का मास कितना होता है ऑक्सीजन का, इट इज 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल गेट लिबरेटेड। आई थिंक इट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ दे आर सेइंग, अब देखो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है सर्किट में, 4 फ्राइडे फ्लो करता है तो 1 मोल, 1 मोल मतलब 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल गेट लिबरेटेड, लेकिन फ्लो कितना कर रहा है सर्किट में, हमने निकाला था अभी, सिर्फ इतना चार्ज फ्लो कर रहा है, 965 कुलाम चार्ज इज फ्लोइंग। सो इतने चार्ज से इतना डिपॉजिट, इतना लिबरेट होता है ऑक्सीजन, तो इतने चार्ज से कितना लिबरेट होगा ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, 1 से ले लेते हैं, 1 से क्या डायरेक्टली ले लेते हैं, 965 कुलाम अगर फ्लो करेगा तो कितना ऑक्सीजन लिबरेट होगा, इट इज 32 डिवाइडेड बाय 4 × 4 × रुको क्लास, 4 × 9,650 × 9,650, आई थिंक इट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इससे गया ये आया 100, इट वुड बी 8, सो 8/100 मीन्स 0.08 ग्राम चार्ज, 0.08 ग्राम ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन वुड बी लिबरेटेड एट एनोड, दिस इज द आंसर। सो क्लास इट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट सम अदर, विल टेक सम अदर टॉपिक्स। ओके, सो टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे अहेड। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन।